और इंजीनियर मिलकर कर रहे हैं बिजली चोरी। कैसे कर रहे हैं आइए देखते हैं। एक शिकायत है जो एक डॉक्टर के खिलाफ की गई है कि डॉक्टर अपना क्लिनिक चलाता है और क्लिनिक में जो बिजली का कनेक्शन है, अगर बिजली का कनेक्शन है तो वह कनेक्शन घरेलू कनेक्शन है न कि कमर्शियल। हालांकि शिकायतकर्ता ने यह बात का उल्लेख नहीं किया है कि वहाँ पे कनेक्शन है। शिकायतकर्ता के अनुसार डॉक्टर के क्लिनिक में कनेक्शन है ही नहीं और इस बात की रिक्वेस्ट की गई है कि संबंधित विभाग बिजली विभाग क्लिनिक में आए, जांच करे, देखे कि कनेक्शन है या नहीं। और अगर है, हाँ, यह बात भी कही गई है कि अगर कनेक्शन उसके पास है तो कनेक्शन नंबर, कनेक्शन से संबंधित दूसरे इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में दे। और इसका आप देख लीजिए कि आख्या क्या आई है। आँखें खुलने में अक्सर मैं देखता हूँ इस तरह का गोल गोल घूमता है, प्रायः कुछ जगहों पे आप जाते हैं और कोई बात पूछते हैं या कोई कार्य करने के लिए कहते हैं तो आपने पाया होगा कि आपको गोल गोल घुमाया जाता है, गोल गोल जवाब दिया जाता है। खैर, आँखें खुल गई। इस आख्या में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि उस डॉक्टर के यहाँ कनेक्शन है और उसका कनेक्शन नंबर भी दिया हुआ है 83/37/11/270910। और यह भी कहा गया है कि इस पे बिजली का जो बिल है वह शून्य है, मतलब बिल का पेमेंट होता रहता है। अब बिल का पेमेंट होता रहता है या कनेक्शन कब लिया गया है इसका तो इसमें कुछ उल्लेख किया नहीं गया है कि कनेक्शन कितना पुराना है। डॉक्टर तो 16 साल से क्लिनिक चला रहा है और ये जो अधिशासी अभियंता है ये लगभग 4 सालों से आजमगढ़ में पड़ा हुआ है और गुड़हरा गांव में आजमगढ़ लालगंज तहसील के जी भर के बिजली चोरी करा रहा है और घपले कर रहा है। कितने लोगों का कनेक्शन कट गया है, लाखों रुपए बिल है पर वसूली नहीं की जा रही 4-4, 5-5 साल से, बल्कि उससे भी ज़्यादा समय से। और कनेक्शन काटा गया है तो भी पेपर पे, जो भी संस्था यह काम कर रही थी बिजली का यूज कर रही थी वो आज भी बिजली का यूज कर रही है। और यह आवास में ही नहीं हो रहा है बल्कि स्कूल में, ITI कॉलेज में, ऐसे ऐसे जगहों पे और ट्यूबवेल वगैरह में भी ऐसा हो रहा है। और यहाँ पे भी जब अगर मान भी लूँ कि यह कनेक्शन नंबर सही है और उस डॉक्टर के यहाँ यह कनेक्शन लगा हुआ है और बिजली बिल भी मान लूँ कि शून्य है, वो हर महीने पेमेंट भी कर देता है, तो भी आप क्या कहेंगे कि एक डॉक्टर के क्लिनिक में अगर घरेलू कनेक्शन लगा हुआ है तो क्या यह बिजली चोरी नहीं है? क्योंकि क्लिनिक में तो आप कमर्शियल कनेक्शन लेंगे, क्लिनिक में बिजली के खर्च भी ज़्यादा होते हैं। और इसके बाद इसमें मैंने जो फीडबैक दिया है वो भी मैं आपको दिखा दूं। फीडबैक में मैंने यही बात लिखी है जो मैंने अभी कहा और रिक्वेस्ट किया है कि कार्रवाई की जाए। और अगर कार्रवाई नहीं की जा रही है तो यही कहा जाएगा कि डॉक्टर इंजीनियर सब मिलकर बिजली चोरी कर रहे हैं और करवा रहे हैं।